नमस्कार, मैं हूं कौशल। आज हम इस वीडियो में इग्नू के रिवोल्यूशन रिजल्ट के ऊपर बात करेंगे, साथ में नॉर्मल रिजल्ट के ऊपर बात करेंगे। और साथ में जो स्टूडेंट इग्नू में न्यू हैं और 2023 दिसंबर 2023 में एग्जाम दिए हैं और उनका रिजल्ट भी आ गया है, बट उनका मार्क्स कम आया है और वह चाहते हैं कि रिवोल्यूशन लगाने के लिए, तो आप रिवोल्यूशन लगा सकते हैं। आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि आप रिवोल्यूशन कैसे लगाते हैं इग्नू में। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको नॉर्मल रिजल्ट चेक करना सिखाते हैं, जो कि जो स्टूडेंट न्यू है तो इस पर आपको रिजल्ट पर क्लिक करना है। जैसे भी आप रिजल्ट पर क्लिक करते हैं तो मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है तो आपको स्लो ओपन होगा, ठीक है। इसके बाद आपको इस तरह से खुलेगा तो आपको ग्रेड का टर्म एंड रिवोल्यूशन यहाँ पे सारे लिस्ट ओपन हो गए होके आ जाएंगे। आपको हम नॉर्मल के बारे में बात किए तो नॉर्मली ओबीसी चेक करके बताएंगे। तो नॉर्मल इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको दिसंबर 2023 टर्म एंड रिजल्ट न्यू देखिए यहाँ पर आपको ऊपर में दिखा देगा। इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका रिजल्ट जो है किस तरह से आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो फरवरी 18 फरवरी 2024 तक की अपडेट कर दी गई है, ठीक है। तो आप यहाँ पर नॉर्मल अपना फटाफट जो भी नॉर्मल डबल है इसको डालिए और आप अपना रिजल्ट को चेक कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका ये नॉर्मल रिजल्ट हुआ, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है। जो स्टूडेंट इग्नू में न्यू है और उनका रिजल्ट आ गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिवोल्यूशन भी चेक कर सकते हैं और उनका रिजल्ट आ गया है, लेकिन नॉर्मल रिजल्ट जो है कम आया है, मतलब उनका पासिंग मार्क्स है 40 लेकिन उनका 35 आया है, 38 आया है। तो आप 2, 3, 4 मार्क्स के लिए आप रिवोल्यूशन लगा सकते हैं। रिवोल्यूशन कैसे लगाना है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले होम पेज पे चलते हैं। इस तरह से इंटरफेस खुलेगा आपका इग्नू का। अभी तो फिलहाल इग्नू का जो पेज है वो लॉग इन पेज और होम पेज वो आसानी से ओपन हो रहा है, बट ज़्यादा नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई के लिए दे दिया गया। अब हम आज आपको ये भी बताएंगे कि आपका रिवोल्यूशन लगाने के बाद कितने दिन बाद आपका रिजल्ट आता है, ठीक है। तो आपको नॉर्मल साइज पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपका जो इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है तो आपको वेट करते रहना है जब तक कि ये फाइंड कर रहा है कुछ भी, ठीक है। इस तरह से इंटरफेस खुलेगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो भी है यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेड कलर में यहाँ पर कोर्स जो लिखा हुआ है PC001 इस तरह का जो कोर्स है, जो कि आप MCQ बेस्ड है क्वेश्चन, वो आप नहीं लगा सकते हैं रिवोल्यूशन। बाद बाकी सभी का आप रिवोल्यूशन लगा सकते हैं दोबारा कॉपी चेक करने के लिए, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको 750 रुपया लगेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको बढ़ा दिया गया है तो कोई बात नहीं, आपको बढ़ा भी दिया गया होगा खैर, लेकिन अभी कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। तो 750 रुपया लगता है एक पेपर का, ठीक है। आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉगिन आईडी यहाँ पे समझाया गया है कि किस तरह से ओपन होगा, क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आपको पढ़ लीजिएगा। नॉर्मल से आपको कुछ भी नहीं करना है। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका जो आई कार्ड होता है, जो आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो आपके पास इग्नू का आई कार्ड होगा और आपके पास हॉल टिकट होगा। तो आपको क्या करना है कि आई कार्ड को आपको जब आप इसकी ये आप लगा रहे हैं तो इसके रिवोल्यूशन के लिए आप लगा रहे हैं तो आपको उसमें अटैच करना पड़ेगा आपका आई कार्ड, ठीक है। तो वो उसके बारे में बात करेंगे। आपको नेट बैंकिंग से और मास्टर वीजा कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। 750 रुपया लगते हैं, ये नॉर्मल सी बात है, कोई बात नहीं। आपको क्या है, घोषणा पे क्लिक करना है, डिक्लेरेशन पे, इसके बाद आपको आई एग्री एंड प्रोसीड करना है। इसके बाद आपको इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जून वाली है, जून वाली में कुछ नहीं करना है। यहाँ पर न्यू जो दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो थोड़ी देर के बाद इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको इनरोलमेंट डबल डालना है, जो भी आपका इनरोलमेंट डबल है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको जो भी आपका प्रोग्राम कोड है उसको सिलेक्ट कर लेना है, नॉर्मल सा जो भी है, ठीक है। इसके बाद आपको रिवोल्यूशन इस पर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, कोई बात नहीं, इस पर सेलेक्ट करते ही आपको लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन कीजिएगा तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा। इन्फॉर्मेशन में आपको क्या होगा कि आपका कोर्स कोड क्या है वो डालना है, किसको लगाना चाहते हैं, पेमेंट मोड आएगा, उस तरह से वो ओपन हो गया। आप उसको इंस्ट्रक्शन को देख करके और भर लीजिएगा, उसमें ज़्यादा नॉर्मल कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद आपको आई कार्ड अपलोड करने के लिए आएगा, आपको स्कैन करके और 100 KB का बना लेना है और उसको अपलोड कर लेना है। इसके बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करते हैं तो आपका जो है विथ इन 45 डेज मैक्सिमम लेकर चलिए सही रहेगा कि 45 डेज के अंदर आपका जो है रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा इग्नू की तरफ से। अगर नहीं करता है तो आप हमें डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं वीडियो के अंदर, और क्या कर सकते हैं कि आप हमें डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं। उसके लिए हम वीडियो का लिंक दे देंगे, उसे आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो
इस तरह से आप रेगुलेशन लगा सकते हैं। आपको इग्नू में कोई भी डाउट है तो आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।